वाओ जबरदस्त लग रहा है ना। आज मैं आपको ढेर सारे टिप्स के साथ गणपति स्पेशल उकड़ी से मोदक यानी स्टीम वाले मोदक की रेसिपी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट यानी माप बताऊंगी जिससे आपके जो मोदक है वो फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और ना ही बिखरेंगे। टोटल 21 मोदक इतने में बन जाते हैं और बनाने का तरीका भी इतना सिंपल और आसान है कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी है तब भी आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए बिना देर किए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम कढ़ाई में 2 कप पानी और 1/2 कप दूध डालेंगे। जिस कप से या कटोरी से आप चावल का आटा मेजर करके लोगे उसी कप से या फिर बाउल से आपको ये पानी भी मेजर करके लेना है और 1/2 कप दूध डालेंगे। आप चाहो तो आधा पानी और आधा दूध इस तरह का भी रेशो रख सकते हैं। इसी में हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी के वजह से हमारे मोदक टेस्टी तो बनेंगे ही, साथ में उसे अच्छी सी शाइन भी मिलेगी और दूध डालने की वजह से मोदक को एक अच्छा सा व्हाइट कलर भी मिलता है और साथ में काफी खाने में टेस्टी लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच चीनी यानी शुगर डालेंगे, इससे हल्का सा मीठापन आएगा। अब हम इसे ढक देंगे और इस पानी को उबलने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, पानी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है। अब आंच को जो है मीडियम फ्लेम पे करेंगे। अब इसमें हमें चावल का आटा डालना है। जिस कप से मैंने पानी मेजर करके लिया था ना उसी कप से मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है। कप को अच्छे से टैप कर करके मैंने इसमें आटे को भर के लिया था। अब इस आटे को पानी में डालेंगे और इसे एकदम फटाफट इस तरह से हम मिक्स कर दी जाएंगे। इसे फटाफट मिलाना बहुत जरूरी है। इसमें अगर थोड़ी बहुत गुठलियां रहेगी भी तो भी चलेगा क्योंकि बाद में हम इसे हाथ से ही गूंदने वाले हैं। ये देखिए सारा जो पानी था वो आटे ने अच्छे से सोख लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे ढक देंगे और इसे अपने ही भाप में 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ये अपने भाप में पक रहा है उतने समय में हम सारण यानी कि स्टफिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी मेल्ट होने के बाद ही हम इसमें 1 चम्मच बादाम, 1 चम्मच काजू और 1 चम्मच खसखस डालकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से फ्राई करके लेंगे। आंच को जो है धीमा ही रखना है। मैंने यहाँ पे बादाम काजू को पीसकर इस तरह का दरदरा पाउडर बना के लिया था। यहाँ पर काजू बादाम और खसखस पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब ये अच्छे से मस्त फ्राई हो गए हैं तो अब हम इसमें 1.5 कप गीला कद्दूकस किया हुआ नारियल डालेंगे। ट्रेडिशनली उकड़ी के मोदक यानी जो चावल के आटे के मोदक बनते हैं ना उसमें गीले नारियल का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम इसमें 3/4 कप गुड़ डालेंगे। जितना हमने नारियल लिया है ना उसका आधा ही हम गुड़ डालेंगे। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें 2 बड़े चम्मच गुड़ और ले सकते हैं। इससे ज्यादा गुड़ का इस्तेमाल ना करें, ना ज्यादा डालें। ज्यादा गुड़ हो गया तो मोदक जो है स्टीम करते समय फट भी सकते हैं। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है जब तक कि जो गुड़ हमने डाला है वो पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए और मिक्सर जो है गाढ़ा ना हो जाए। आंच को जो है धीमा ही रखेंगे, फास्ट रखेंगे तो मिक्सर जल भी सकता है। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होता जाएगा ना आपको ये मिक्सर थोड़ा गीला लगेगा बट बाद में ये गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 10 मिनट में ही आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सारण है बनके रेडी हो गया है। इस तरह जब आपको दिखाई दे तब आप समझ जाए कि अच्छे से ये पक चुका है और अच्छा ये गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। यह हमारी जो उकड़ भी है अच्छे से पक चुकी है, इसे हमें एकदम अच्छे से गूंद कर लेना है। इसलिए मैंने यहाँ पे परात ली है, आप कोई भी थाली ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम हल्का सा घी लगा लेते हैं, उससे क्या कि आटा जो है थाली में ज्यादा चिपकेगा नहीं। इसे हमें बहुत ही अच्छे से गूंदना है पर अभी ये काफी गर्म है तो सबसे मेन जरूरी बात यह है कि जब ये गर्म होता है ना तभी इसे गूंदना पड़ता है। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो गया और उसके बाद आपने गूंदा तो आपके मोदक बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे, उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल भी अपना शेप नहीं पकड़ेगा। तो जब गर्म है तभी इसे गूंदना है। इस तरह का ना लोटा लिया है, इसके ऊपर से हम हल्का सा घी लगाकर फिर इस तरह से इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। इसे हमें थोड़ी देर इस तरह से गूंदना है जब तक ये छूने लायक ना हो जाए।
अब ये आटा जो है हल्का ठंडा हो गया है तो इसे हम हाथों से अच्छे से गूंदेंगे। जैसे चावल की रोटी बनाने के लिए आटा हम गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अगर इसे गूंदते समय आटा आपको थोड़ा गीला लग रहा हो तो आप क्या करें ना, इसमें थोड़ा चावल का आटा डाल सकते हैं। या आटा गूंदते समय आपको लगे कि काफी सख्त हो गया है तो आप यहाँ पे वार्म यानी हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंद सकते हैं। बेसिकली आटा जो है हमें एकदम सॉफ्ट चाहिए, तो इस आटे को है ना मैंने अच्छे से गूंद कर रेडी कर लिया है और अभी आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इस आटे को जो है किसी भी कॉटन के कपड़े से, गीले कपड़े से या फिर रुमाल से इस तरह से ढक देंगे जिससे आटा जो है वो ड्राई नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद जो हमारा आटा है इसे हल्का सा गूंद कर इस तरह से हम इसके दो हिस्से कर लेंगे। क्योंकि आटा ड्राई ना हो तो आप यहाँ पे आधे हिस्से को इस तरह से ढककर रख दे और बचा हुआ जो आधा हिस्सा है इसके हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें से हम नींबू जितना आटा लेंगे और इस तरह से इसे अच्छे से गूंद कर चिकना करके इसका एक बॉल बना लेंगे। एकदम स्मूथ बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने मोदक का मोड़ लिया है, तो अब करना क्या है, इसे हम घी लगाकर इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये आपको कोई भी सुपरमार्केट में, डीमार्ट में या फिर ऑनलाइन आराम से मिल जाता है, बहुत ही सस्ते में आता है ये। और अब हमने जो ये आटे का बॉल बना लिया है ये इसमें डालेंगे। ये जो हमारी उंगली है इसको घी में अच्छे से डिप करेंगे और फिर हम इस तरह अंदर से प्रेस करते जाएंगे और बीच में जगह बनाते जाएंगे। अब स्टफिंग को हम खाली जगह में भर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा और आटा लगाकर इसे सील कर देंगे जिससे कि स्टफिंग जो है वो बाहर नहीं आएगी। और फिर इसे इस तरह से ओपन करेंगे और ये देखिए कितना क्यूट सा हमारा पहला मोदक बनकर रेडी हो गया है। अब इसे दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, वो भी कितनी आसानी से, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झंझट के इसे हमने बना लिया है। तो इसे हम इस तरह की छलनी में रखेंगे क्योंकि इसे हमें बाद में स्टीम करके लेना है। तो बिल्कुल पहले जैसे मोदक की तरह ही बाकी के मोदक भी हम रेडी कर लेते हैं। आटे की लेयर अंदर से अच्छी तरह होनी चाहिए, कहीं भी कम या कहीं ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। इवनली आप इसे अंदर तक अच्छे से स्प्रेड करके ले, अच्छे से दबा दबा कर ले, जितनी स्टफिंग रहेगी उतनी ही स्टफिंग इसमें डाले, ओवर स्टफिंग ना करें। ऐसा करने से अगर ओवर स्टफिंग हो गई तो स्टीम करते समय आपका मोदक फट जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए बातों बातों में हमारा दूसरा मोदक भी बनके रेडी हो गया है। तो इतने आटे में टोटल 21 मोदक बन जाते हैं। आप इस तरह से साचे में यानी मोल्ड में बनाओ या फिर आप हाथों से जैसे कली बनाते हैं उस तरह से भी बनाओ, तब भी आपके इतने मेजरमेंट में 21 मोदक बन जाते हैं। तो इसे ज्यादा आपको बनाने हैं तो आप यहाँ पे मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ा के लीजिएगा। अगर आपको इसे थोड़ा कम चाहिए तो मेजरमेंट को आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, तो 11 मोदक भी आप आराम से बना सकते हैं। बट गणपति को जो है वो 21 मोदक या फिर 11 मोदक का प्रसाद दिखाया जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 21 मोदक का आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला बैच रेडी हो गया है। तो ये दिखने में अभी से टेम्पटिंग लग रहा है बट इसे हमें स्टीम करना है। तो यहाँ गैस पर मैंने एक भगोने में 2 ग्लास पानी को गर्म करने रखा था। अब हम इसके ऊपर इस तरह से छलनी को रखेंगे और इसे ढककर हाई फ्लेम यानी तेज आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। 7 से 8 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितने मस्त हमारे मोदक बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी ये काफी गर्म है तो इन्हें हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें सर्विंग प्लेट पे निकालेंगे। जब तक ये बन रहा है मैं दूसरा बैच भी यहाँ पे स्टीम करने के लिए रख देती हूँ। बिल्कुल पहली बैच की तरह ही हम दूसरी बैच को भी हाई फ्लेम पे यानी तेज आंच पे 7 से 8 मिनट के लिए स्टीम करने रखेंगे। तो ये देखिए ये ठंडे हो गए आराम से, तो इन्हें अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी इसकी जो कलियां है वो बिल्कुल भी बिगड़ी नहीं है, उसका शेप नहीं बिगड़ा है, एकदम परफेक्ट बना है। इन्हें मैंने थोड़े केसर दूध से गार्निश करके लिया है और ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। एकदम सुंदर बने, दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये देखिए इसे मैं कट करके भी दिखाती हूँ। वाओ जबरदस्त लग रहा है ना, अंदर की स्टफिंग भी इतनी जबरदस्त बनी है। तो आप इसे आराम से घर पे बना सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई कर रहे हैं तब भी आपके मोदक जो है एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो इस बार आप इस मोदक को जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और अपने दोस्तों में इस रेसिपी को शेयर करना ना भूलें।